तो उसी का है। और एक ट्रॉली इधर है, एक ट्रॉली बाहर है, तो दो बैग है। और ये हमारा ट्राइपॉड हो गया, चलिए शुरू करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, अभी कहाँ चलते हैं एक्चुअली बताइए? यहाँ से हम चलेंगे, पहले करेंगे पेट पूजा, फिर करेंगे कान पूजा। ट्राइपॉड से पहले चलते हैं, कार में सामान रखते हैं। हम लोग निकल पड़े हैं आदर्श ढाबा से, हरदोई होते हुए निकलेंगे, जो कि ये आसान रूट है लखनऊ से रानीखेत जाने का। तो हम हल्द्वानी में एंट्री कर चुके हैं और हमें लगा है बहुत तेज़ भूख, तो अभी कुछ टाइम आगे चलेंगे, अगर कुछ अच्छा ढंग का मिला तो रुक के खाएंगे, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगा है, रात से कुछ खाया नहीं है हम लोग। हल्द्वानी के पास एक चाय की स्टॉल थी, वहाँ चाय पी लेंगे और बिस्किट खाएंगे। अभी निकल हम लोग रानीखेत, हम रेस्टोरेंट भैया यहाँ आप लोग मत खाइए, बर्बाद हो जाएंगे। इन चाय पिए बिस्किट लिए 118 की बिल बन गई है, अपने किस रेट से पिए। बट अब निकलते हैं, इसके बाद सीधा हम लोग रानीखेत रुकेंगे, होटल लेते हैं। रास्ता भूल गए हैं जाम में पूरा, और हमारे साथ देर ड्राइव कर रहे थे विकास वर्मा, और बगल में बैठे हैं वैभव मिश्रा। 30-40 चल रही है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ, मतलब वहाँ यूपी में इतनी गर्मी है, इतना ठंडा मौसम, अभी हरियाली पेड़ की। एंट्री कर चुके हैं और आर्मी कैंप के थ्रू होते हुए बार बार हम लोग जा रहे हैं होटल लेते। उत्तराखंड की वादियाँ, होटल मून हम लोग का रानीखेत में, वहीं हम लोग का कमरा बड़ा मिला है, चार लोग हैं, एक बड़ा रूम लिया है, उसमें दो सिंगल बेड है और एक डबल बेड है बड़ा सा। काफ़ी प्यारा इंटीरियर, मतलब अंदर का लुक बहुत प्यारा है। और इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ व्यू कैसा है, जस्ट पहाड़ के ऊपर ही हमने लिया है, और ये पूरा फॉग टाइप का जमा, अभी कुछ दिख नहीं है, पहाड़ के ऊपर पूरा घर है, अभी कुछ दिख नहीं रहा, जैसे शाम होगा या फिर कल सुबह मॉर्निंग में, जैसे मॉर्निंग होगी मौसम साफ होगा तो दिखाई देगा पूरा। हिल स्टेशन पे आए हैं तो लगभग 3-4 दिन रुकेंगे, उसके बाद यहाँ से निकले, बट बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम ठंडा है। हमारा रूम, और ये हमारा बेड है विकास का, और बाबा मिश्रा सुदान सिंह उस पर सोएंगे, नहाने जा रहा है, उसके बाद हम नहाएंगे। शाम में बारिश आने लगी तो बाहर चले गए, बाहर फंस गए थे और खाने के लिए कुछ खोजा, बट दुकान वहाँ बंद हो गई थी तो होटल से ऑर्डर करना पड़ा, जो कि यहाँ बहुत महंगा मिल रहा था, कॉस्टली था। तंदूरी रोटी थी और दाल फ्राई थी और सादी दाल थी और मटर छोले की सब्जी थी, जो पहाड़ी फेमस खाना है। सुबह के हो रहे 6 और अभी जस्ट मैं 5 मिनट पहले उठा हूँ, मूवी देख रहा हूँ बस, तो सुबह का रानी खेत का मॉर्निंग का व्यू दिखा रहा हूँ। पहाड़ पर से फॉग हट गया है, बहुत प्यारा लग रहा है पहाड़। सिद्धांत और वैभव गए बाहर चेकआउट करने के लिए, क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं होटल से, सीधा जाएंगे बद्रीनाथ, क्योंकि यहाँ 250 किलोमीटर है, लगभग 10 घंटे का रास्ता है और पहाड़ का रोड है। तो अभी हम निकल रहे हैं, मैं और विकास भाई दोनों बच गए, तो रेडी हो गए हो? या रेडी, चलते हैं हम लोग यहाँ से एक एडवेंचर रूट पे, जो कि यहाँ से रेमी रानी के बद्रीनाथ के बीच का, और उसके लिए careful with your pretty eyes and run with me, yeah. Cause you and I are a secret. Feel my drift against
कितना घना जंगल है भाई।